हेलो दोस्तों, एके जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं न्यू अपडेट के साथ आपको ले आया हूँ। क्या आप टाइगर के बारे में जानते हैं? न्यू अपडेट मैं आपको 2023 का बताने वाला हूँ, जिसमें आपको टाइगर की जनगणना, वन्य जीव अभयारण्य, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि भारत में टाइगर कितने हैं, कौन से स्टेट है जहाँ पर टाइगर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाया जाता है, भारत में कितने टाइगर हैं, मैं पूरा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ए टू फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर। ये आप देख सकते हैं कि भारत के टाइगर रिजर्व 1973 में स्थापित किया गया था। जो टाइगर रिजर्व है आपके 1973 में स्थापित किया गया, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शामिल किया गया था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकार के द्वारा। जो आपके टाइगर रिजर्व है वो राष्ट्रीय बाघ टाइगर संरक्षण के द्वारा प्रशासनिक किया गया था। ये 2018 तक 50 संरक्षित क्षेत्र को बाघ का अभयारण्य शामिल थे, नामांकित मतलब शामिल किया गया था 50 संरक्षित। उसके बाद 2022 में इनको 53 कर दिया, यानी भारत में अभी 53वां टाइगर रिजर्व रानी पूर्व वन्य जीव अभियान को माना गया है, जो अभी लागू किया गया है। रानीपुर, याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया आपको जाएगा कि रानीपुर जीव अभियान कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, और राज्य के चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व है जिसको अभी नया बना है, 53 आपसे पूछा जाए तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपको, जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में ये इलाके आपको 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। भारत दुनिया के 70% बाघों का घर है, यानी अभी आपके पूरे वर्ल्ड में भारत में 80% टाइगर है यहाँ, और 2006 में भारत के अनुसार लगभग 1411 बाघ थे, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गए। जब 2006 में था ये, तो सिर्फ भारत में 1411 बाघ थे 2006 में, उसके बाद 2010 में बढ़कर हो गए 1706, और 2014 में हो गए बढ़कर 2226 बाघ, और 2018 में बढ़कर हो गए 2967, यानी 2967 बाघ हो गए आपके। और भारत में बाघों की आबादी वृद्धि के वैश्विक आबादी को देखते हुए भूमिका निभाई है विश्व वन्य जीव कोष के ग्लोबल टाइगर फॉर्म के अनुसार। वैश्विक स्तर पर जंगली बाघों की संख्या 2010 में 3159 से बढ़कर 2016 में ये 3890 हो गए हैं। देख सकते हैं कितने संख्या इनके बढ़ गए हैं। ये बता रहे हैं जो जंगली बाघ होते हैं उनकी संख्या में बता रहा हूँ आपको 2010 में, और अभी 2016 में 3890 हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट योर। ये आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व कब हुआ था, ये आपको 1973 में हुआ टाइगर प्रोजेक्ट, और आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 53वां टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, तो रानीपुर है। और अभी लास्ट कितने उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हो गए, तो 4 आपके उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व आपके हो गए, ये आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देख सकते हैं जनसंख्या के मूल्यांकन, यानी जनसंख्या में भारत में अभी कितने हैं, तो देख सकते 2018 के राज्यपाल बंगाल टाइगर के 2018 तक बाघों के संरक्षण अधिनियम 2967 बाघों के अस्तित्व में आया है। मैंने पहले ही बता दिया आपको 2014 में 2226 थे, और 2010 के अनुसार 30.5% की वृद्धि हुई है बाघों की, आप देख सकते हैं। और 2010-11 में भारत में वन्य जीव स्थापना WII के साथ समझदारी के बाघों की संरक्षण NTCA के ने दी 53वां बाघों के अभ्यारण। आपसे भी पूछा जाएगा कि किसने दिया, तो आपको याद रखना है WII और NTCA के अनुसार दोनों के 53 बाघ अभ्यारण जो आपको उत्तर प्रदेश में
हुआ है चौथे, उनका आपको नाम याद रखना है। इसके अनुसार जो मध्य प्रदेश में 408 से अधिक बड़ी बिल्लियों की संख्या, यानी डेढ़ वर्षों में 1.5 ईयर्स देख सकते हैं, डेढ़ वर्षों के अनुसार सबसे अधिक बाघ 526 है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आपको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। महत्वपूर्ण आबादी वाले अन्य राज्य कर्नाटका में आप देख सकते हैं 524 है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटका है 524 है। उत्तराखंड में देख सकते हैं आप 442 है, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 229 है, महाराष्ट्र में 190 है, असम में आप देख सकते हैं 167 है, केरला में 136 है, उत्तर प्रदेश में 117 है। ये आपके बढ़ते घटते क्रम में आप देख सकते हैं, पहले आपको मध्य प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, असम है, फिर केरला है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, ये शामिल है। आप देख सकते हैं चलते नेक्स्ट की ओर, ये देख सकते हैं इंडिया में 70% मतलब टाइगर है। देख सकते हैं इंडियन हैज एन 75% वर्ल्ड ऑफ टाइगर, यानी इंडिया में 70% टाइगर जो अपने इंडिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड का, सोचने वाली बात है आप। और टाइगर डे है जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि टाइगर डे कब है, तो ये आपके 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है हर साल। ये टाइगर डे आने वाला है जुलाई में, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये ऑल एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है तो इसका आप देख सकते हैं वीडियो को। अब देख सकते हैं देश में बढ़ती बाघों की दहाड़, देश में टाइगर रिजर्वों की संख्या और इसका वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं। 2010 में टाइगर थे 1706 थे, और उसका एरिया था 81,000 के आसपास था, जो वर्ग किलोमीटर 81,000 थे। 2014 में देख सकते हैं 2226 थे, और इसका 88,000 के वर्ग किलोमीटर में था। 2018 के अनुसार देख सकते 2967 थे, जो आपको 88,985 वर्ग किलोमीटर में था। और 262% बाघ बढ़े बिहार में, जो देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है बिहार में, जो बाघों की ग्रोथ है परसेंटेज के अनुसार देख सकते हैं आप। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार कौन से राज्य में बिहारों की संख्या बढ़ी है, तो आप बोल सकते हैं 262% बाघों बढ़ गए बिहार में, देश की सबसे ज़्यादा ग्रोथ आप देख सकते हैं। और 226 बाघ है मध्य प्रदेश में, जो देश में सबसे ज़्यादा है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश का। ये वाले क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं। और 6 साल में 560 बाघों की जान गई, कैसे गए, नीचे दिखा, नेचुरल डेथ हो गया 55%, अवैध शिकार जिसे आप शिकारी करते हैं उसको 38%, और एक्सीडेंट से 4%। देख सकते हैं कि 6 साल में 560 बाघों की जान चली गई, सोचने वाली बात है यार। जो 2018 में जो बाघों की गणना की गई, जो भी गणना हुआ है, उसमें 14,000 से ज़्यादा कैमरे कैंप का इस्तेमाल हुआ था, जो रिकॉर्डिंग के इसी महीने निगरानी में ओल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। जो अभी जनगणना हुआ है उसमें आपको 14,000 कैमरे इसमें लगाए गए थे, उसके अनुसार बाघों की संख्या को गणना किया गया है। ये आप देख सकते हैं 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, मैंने बता दिया था आपको। जो जंतुओं में बाघों के प्रमुख प्रजातियों के एक से जो ये बनाया गया था बाघ अभ्यारण्य, इसलिए बनाया गया था कि इसमें जितने जीव हैं आधिकारिक रूप से पाए जाने, जो शताब्दी के अनुसार जो बाघों की आबादी में 5,000 से घटकर 1827 हो गए थे। बाघों की आबादी को कई बड़े संकट में, जैसे व्यापार के लिए अवैध शिकार, देख सकते हैं प्रजातियों की कमी, बढ़ते मानव की आबादी आदि, बाघों की खाल का व्यापार, इसमें देख सकते हैं चीनी प्रजाति दबाव, हड्डिया का उपयोग, मतलब इसमें जितने व्यापार थे इसके लुप्त होते चले गए बाघों, और एशियाई देशों में बाघों की आबादी में लुप्ति के कगार पर छा गया। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया में बाघों की लगभग 2/3 आबादी के प्रदान करते हैं, इसलिए ये दोनों राष्ट्र अवैध शिकार और अवैध व्यापार के प्रमुख लक्षण बन गए हैं। सोचने वाली, बाघ और नेपाल में
भारत और नेपाल में सबसे ज़्यादा अवैध शिकार होने लगे थे। इनके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, आप देख सकते हैं, दबाव बनाए, मेडिसिन बनाने में, हड्डिया का उपयोग में लाने के लिए, खाल बनाने के लिए, खाल पहनने के लिए सब में आ गया था। फिर उसके बाद बाघ परियोजना लाया गया, जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचलित वन्य जीव अभियान में एक 1973 में शुरू किया गया था, और बाघ संरक्षण को लेकर लुप्त प्रजाति को बचाने का प्रयास किया गया था, बल्कि बड़ी परियोजना के अनुसार ये भारत में लाया गया था। जब 1973 में जब ये बाघ परियोजना लाया गया था, तो 1973 में टाइगर में रिजर्व में कितने थे, उत्तराखंड में देखते हैं जिम कार्बेट उत्तराखंड में सबसे पहले टाइगर रिजर्व इन्हीं को बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब 1973 में जब बाघ परियोजना लाया था, तो उस समय भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो आप बता देना उत्तराखंड में कौन सा, जीव कार्बेट वन्य अभयारण्य। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, और राजस्थान में आपका देख सकते हैं सिरका लाया गया था, या आप देख सकते हैं सिरका, या आप याद रख सकते हैं, और असम में आपका मानस लाया गया था, आप देख सकते हैं, केरला में आपको परियार राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। भारत के कुछ अभियान ये हैं। कितने जब 1973 में कितने लाए गए थे आप, उत्तराखंड में एक हो गए, पश्चिम बंगाल में दो हो गए, मध्य प्रदेश में तीन हो गए, राजस्थान में चार हो गए, असम में पाँच हो गए, और केरला में आपके छः हो गए। छः आपको याद रखना है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, एक ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, जब 2006 में 1411 बाघ थे, तो देखिए इसका ग्रोथ कैसे ऊपर चले गए, फिर 148, 200, 219, फिर देखते हैं 2016 में 1706 थे, फिर ग्रोथ उसका कुछ खास नहीं रहा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2004 में आपका ऐसे ग्रोथ गया, फिर 2018 में ग्रोथ आपका ऐसे गया, देख सकते हैं। अभी वर्तमान में 2967 बाघों की संख्या है, इसमें 2600 से लेकर इतना के बीच में आपको बाघों की संख्या है, या देख सकते हैं। टाइगर इन इंडिया, देख सकते हैं टाइगर पॉपुलेशन कैसे बढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि 2006 में 1411 थे, फिर आपके 2010 में 1706 थे, फिर 2014 में आपको 2226 थे, फिर आपको 2018 में 2967 थे। अब देख सकते हैं मौजूदा रिजर्व के अलावा राष्ट्रीय बाघ अधिनियम द्वारा दो नए रिजर्व बन गए। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी दो बाघ संरक्षण कहाँ बनाए गए, तो मध्य प्रदेश में याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में रतना पानी टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग टाइगर रिजर्व बनाया गया है, दो अभी बनाए गए हैं आपके, याद रखना है। और बिहार में कैमूर वन्य जीव अभियान को निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो बिहार में है उसको भी मंजूरी दे दिया गया है कैमूर में बनाने के लिए टाइगर रिजर्व, आप याद रखेंगे ये बात को। फिर देख सकते हैं कि कुरुदेन मुख राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व में घोषित करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई है, जो राज्य सरकार की सलाह दी गई है कि वह निम्नलिखित क्षेत्रों के द्वारा रिजर्व को करने के प्रस्तुत करें, भेजे गए, और उत्तर प्रदेश में सुहेलवा अभ्यारण्य, और गोवा में महादेई, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और कावेरी कर्नाटका में आपको बनाने का निर्णय दे दिया गया है सरकार के थ्रू, कि आप इसमें जो भी आपके हैं वो प्रस्तुत करें, इनका घोषणा किया गया है। आपको याद रखना है घोषणा कितने का किया गया है, एक तो मध्य प्रदेश में है राता पानी टाइगर रिजर्व, और अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग, और बिहार में है कैमूर, और कुद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो घोषणा किया गया है। उसके बाद है आपको उत्तर प्रदेश में सुहेलवा, और आपके गोवा में है महादेई, और आपके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और कावेरी आपका कर्नाटका में है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका इसका स्क्रीन शॉट लेके भी अपने पास रखते देख सकते हैं, जो आपका इसका स्क्रीन है इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, देख सकते हैं आप एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर लग रहा है आपको कि
पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास आप रख सकते हैं, जो आपको हर एग्ज़ाम में काम देने वाला है। आप देख सकते हैं हर एग्ज़ाम में काम देगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ये काम नहीं देगा। आप देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो आपको देखते रहिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, जो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।